शायद बहुत खतरनाक है पिक्चर के नाम पे बना दिया बिल्कुल ही बकवास किस्म का काम अबे क्या घटिया ट्रेलर था ये नाम वो आर यू ये क्यों क्यों रिलीज कर रहे हो यार मतलब नई पैकेजिंग में पुराना माल बेच रहे हो यार इससे ज्यादा बेकार बात और क्या हो सकती है हाय हाय देखो जरा बेचारी बच्ची इसने देखा ये ट्रेलर अभी नाम का आवाज चली गई है बेचारी की नहीं, आवाज नहीं।, 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 निकल रही है नाक बह चुका है आंसू बदल रहे हैं अपनी जगह देखो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं ये आवाज मेरी बच्ची क्या हो गया इसे ऐसी पिक्चर रिलीज क्यों कर रहे हो आवाज़ तो सिंगम अगेन की वजह से गई है वहाँ मैं हुटिंग कर रही थी कि रोहित शेट्टी ये तुमने क्या किया से? मैडम वापस आते हैं सिंगम अगेन अलग है हाँ। उसकी उसकी सक्सेस पे सो कॉल्ड सक्सेस पे राइड करते हुए पिक्चर जो रिलीज हो रही है ये अलग है इसका नाम है नाम नाम और और पर... नाम डुबा देगी अजय देवगन अनीस का देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है इधर बजमी अपनी भूल भुलैया लेकर आए थे इधर नाम नाम कंट्रोल कंट्रोल। बता देती क्या हुआ बाई चांस इन्होंने फोन किया होगा अनिस ने की अजय साहब आप प्लीज सिंगम अगेन को आगे खिसका लेना हमारी फिल्म आ रही है तो उन्होंने कहा देखो ये तो नहीं कर सकता मैं अनिस अनीस। अनीस। हाँ, ये तो नहीं कर सकता मैं लेकिन हाँ वो जो हमारी 2014 में पिक्चर पड़ी थी ना एक काम करो

रिस्क लेने की क्या जरूरत थी भाई इतना घटिया ट्रेलर भाई इतना घटिया मतलब एक तो है कि पिक्चर ये सारे लोग हर जगह पे लिख रहे हैं कि 2014 की है हाँ। लेकिन इसके हालात देख के लग रहा है दो की है, की क्योंकि इसमें जो अजय देवगन का हेयर स्टाइल और और ये ये वो सब सब दिखा रखा है ना जैसे लग रहा के अराउंड पिक्चरें आई थी उसी टाइम का वो लग रहा है उनका भाई वो जो तब तो बोलो जुबा केसरी भी नहीं करते थे अजय देवगन उस टाइम पे भूमिका चावला रेलिवेंट थी क्योंकि तेरे नाम भी आई थी समीरा रेड्डी तब जवान दिखती थी क्योंकि अब फिलहाल जो समीरा रेड्डी

दिख रहे हैं सबके इतने, इतने इतने रोल है और किसी को फुटेज खास नहीं दे रखी है और, और इतने गंदे मेकअप इतनी गंदी विग और इतने गंदे एसएफएक्स <laughs>

Hey. और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अजय देवगन और अनिस बजमी की जो कोलेबोरेशन रही हैं बार बार ये बोल के जो इनकी वो जो एक होती है ना अरे वो पीआर वाले वो जो एक कॉपी पेस्ट करके हर जगह छाप देते, देते हैं कि ये देखो जी चौथी कोलेबोरेशन चौथी कोलेबोरेशन मुझे अब पता चला वो पढ़ के कि हलचल नाम की एक पिक्चर आई थी वो हाँ। अक्षय खन्ना वाली नी आ? वो उससे पहले एक पिक्चर आई थी मेरे ख्याल नाइनटी में एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर अनिस बज्मी डायरेक्ट कर रहे थे और आपके ये जो अजय देवगन है ये मेन हीरो थे Oh, yes, yes, yes. I और, remember वो, और वो मैं कह रहा हूँ किसी को याद नहीं थी इनको खुद को याद नहीं थी पता <laughs> नहीं वो भी इन्होंने साथ में करी है उसके अलावा मेरे को पता नहीं है कि वो किसकी कॉपी है किसकी नहीं है या इंस्पिरेशन है क्योंकि

इतना गंदा मतलब और मेरे को बिल्कुल आ गई। से दोलें क्योंकि बिल्कुल मजा नहीं आया और साथ में अजय देवगन इस टाइम पर बहुत सारी फिल्में उन्हें ना लगता है कर रहे थे। अब सेम काम कर रहे हैं अजय देवगन और ऐसा नहीं है कि वो अभी रुक गए यार मुझे लगता है ये पिक्चर तो उनको भी मतलब वो नहीं होगा कि भाई क्यों रिलीज कर रहे हो वो तो मेरे ख्याल मैं कह रहा हूं अजय देवगन जी मैं आपकी जगह होता मैं केस कर देता लेकिन

अरे बहुत डेंजर आदमी है अरे ऐसे क्या बात हो रही है भाई बहुत गुस्से में लग रहा है अभिषेक बहुत गुस्से में क्योंकि जैसे ही वो ये ट्रेलर देख रहा था वो आग बबूला हो गया था लेकिन मैं तुझे तो बता दू रेड टू दे दे प्यार दे टू सन ऑफ सरदार टू शैतान टू दृश्यम थ्री गोलमाल फाइव एंड धमाल फोर ये 2025 और 2026 में आने वाली सात फिल्में हैं फ्रेंचाइजी फिल्म है जिनकी अभी तक हमें पता है और मुझे मतलब संभाव में मुझे लग नहीं रहा कि जो बार बार ये एडवर्टाइज कर रहे हैं ना ये बोल दो जी 2014 में ये फिल्म बनी थी और जैसा पहले भी काम दो है दो हजार चौदह का भाई साहब इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है पूरी अगर देख लोगे लग ही नहीं रही है कहीं से भी इसके अंदर जो गाड़िया वाड़ियां भी दिख रही है दो में तो नहीं होती थी जैसी टाइप की गाड़ियां थी ये दो में ही आती थी शक्ल भी नहीं लग रही दो हजार चौदह वाली है यार और तो हम मतलब क्या ही माने लेकिन वो भी नहीं लग रहा है जिस रेफरेंस बोलना चाहता हूं कि कि 2014 में किस 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 तरीके किस तरीके तरीके की आई आई थी 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 आप आप अपने अंदाज़ा लगाओ उनकी विजुअल क्वालिटी क्या उसमें का कंटेंट था से एक्टिंग कर रहे थे लोग चीजें आपको पे क्लियर oh, yes. exactly. हो जाएंगी पीके बैंग सिंगम रिटर्न अब सिंगम रिटर्न दोनों अजय देवगन ऐसे मतलब हैदर डेढ़िया सारी ऐसी फिल्में आई थी आप खुद सोचो उस टाइम पे वो जो मूवीज आई थी आज भी देखोगे ना तो ये जो कुछ फिल्में हैं आपको फ्रेश लगेंगी इतनी बढ़िया उनकी विजुअल क्वालिटी थी अजय देवगन और ये वाले अजय देवगन जो नाम में दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट भाई वो वाले अजय देवगन थे कयामत वाले क्यामत क्यामत कयामत उसी टाइम पे लड़की बहुत याद आती है वो लड़की बहुत याद आती है उस टाइम पर ही उनका ऐसा हेयर स्टाइल था और ऐसे ही बैक टू बैक पिक्चरें थी जिसमें अजय देवगन ने वो स्पेक्स बिना फ्रेम वाले स्पेक्स लगाए थे हाँ। इतनी चीजें भी नोट अगर आप करते हो तो आपको पता चल जाएगा तब वो लगाया करते थे एक उनकी फिल्म में आई थी रा, रानी मुखर्जी के साथ हाँ उसमें एक गाना था रूठे यार नू मनाले ले कॉपीराइट आ जाएगा ये फिल्टर का हमारे पास जोड़ तोड़ नहीं है कुछ उसके अंदर भी उनका कुछ ऐसा ही लुक था तो ये और पुरानी है ये तो अभी बोल रहे हैं कि 2014 वाली फिल्म में आई फिल्म है और जो उसको अब रिलीज कर रहे हैं बट ऐसा है नहीं ये भी एक स्कैम ही है एक्चुअली भाई पता नहीं ये क्या है क्यों है कोई काले को सफेद कर रहे है, सफेद को काला कर रहे, रहे, रहे। <laughs> थिएटर में निकाल रहे हैं इस टाइम पर इतने इतने करोड़ लगाने के बाद भी जो थिएटर में रिलीज नहीं कर पा रहे पिक्चर उनके बजट नहीं निकल पा रहे हैं और ये लोग पुरानी पिक्चर को निकाल कर अब मुझे तो लगता है जितनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे ना इसका जो मेकिंग बजट है वो उससे ज्यादा हो जाएगा मार्केटिंग बजट भूमिका चावला जी हो रहा है है तो पता नहीं है मुझे लेकिन इनका करा रहे हैं समीरा रेड्डी जी का करा रहे हैं राहुल देव का कम बैक करा रहे हैं किस किस का काम बैक कर गो बैक वापस <laughs> ले जाओ जहां से आओ वही वापस ले जाओ रिलीज नहीं होने देंगे और इसको कम बैक नहीं कहते है ना अब अगर उस टाइम वाली उनकी एक्टिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी तो जो उन्हें अभी आगे बाई चांस काम मिलने वाला भी होगा

इसे, इसको एकदम से से अंदर से ऐसा हो जाता है अब मसाला मिलेगा रिव्यू के लिए मैं आदत से मजबूर तू पहले अपना नजला ठीक करेगा <laughs> कोई बात नहीं खैर ये वीडियो में यही पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच मेरा नाम अभिषेक मनचंदा और मेरा नाम है साक्षी चौहान आप देख रहे हैं स्विच। स्विच।